उड़ा पड़ायन के लोगों को पहले से ही आभास था कि सेना का बुलडोजर आज आने वाला है। सुबह से ही उन्होंने अपने घरों के सामान बाहर निकल के रख लिया था। पूरी गृहस्थी उनके सड़क पर बिखर गई थी। भूखे प्यासे सहमे लोग को उम्मीद थी सेना के अधिकारी उनकी दिक्कतों को समझेंगे, शायद उनके आशियाने उजड़ने से बच जाएं। भरी दोपहर सेना का बुलडोजर गरज उठा और मलिन बस्ती में खलबली मच गई। लोग जरूरी सामान और अपने बच्चों को लेकर इधर उधर भागने लगे पेड़ों की छांव में। ये कंटोनमेंट की जमीन है ना, तो हम लोग को रोज आते हैं, रोज भगाते हैं मिलिट्री वाले, हम लोग कहाँ जाएं? आज से थोड़ा बस है, हम लोग के ये पुरखा बस खत्म हो चुके 3 पीढ़ी। आपको कब पता चला बुलडोजर चलने वाला? 15 तारीख को। उसके बाद 24 को बुलडोजर आई। मकान तोड़ा उसने? हाँ, 2-4 घर तोड़ा। हम लोग का संगठन पिछले 5 वर्ष से इन लोग की लड़ाई लड़ रहा है। हाँ, सैन्य प्रशासन से हम लोग पिछले जितनी बार उन्होंने नोटिस दी और इलेक्शन के लिए आए, हम लोग हर बार मुलाकात किए। हम लोगों ने ये कहा कि इन लोग के लिए राजीव गांधी आवास योजना आने वाली है और ये मामला जो है कोर्ट में भी चल रहा है। ऐसी मलिन बस्तियाँ हर नगर महानगर में लगभग मिल जाया करती हैं, जो रोजगार की तलाश में वहाँ आकर बस गए। इस बस्ती में ज़्यादातर लोग रोज कमाकर खाने वाले लोग हैं। जिस दिन ना कमाएं तो इनके यहाँ चूल्हा भी नहीं जल पाता है। कहाँ से आए हैं आप? हमारा जिला मिर्जापुर है। कब से रह रहे हैं? 35 साल से। क्या काम करते हैं? ईटा गारा काम करते हैं। तो अब क्या करेंगे आप? अब ही आटा गारा काम कर रहे हैं। अभी कुछ समय की मोहलत मिली है? हाँ, मिली तो है। कब तक? 2-3 महीना के लिए मिली है, 3 महीना। कहीं और बसने का सोचा है? और कहाँ मिल रहा है? और कहाँ मिल रहा है भैया? जब मिलेगा गवर्नमेंट देगी तो रहेंगे, नहीं तो ऐसे कुटिया बनाए पड़ेंगे। अब लड़ाई जब झोपड़ी गिराएंगे तो लड़ाई लड़ रहे हैं आप लोग? अब हमारे लोग के पौरुख है लड़े के। तो कैसे बच जाती है? अब गवर्नमेंट बचा देता है, जनता बचा देते हैं। जनता कैसे बचा देती है? अब आप लोग के दुआ से। अब यही जमीन पे रहेंगे, एक दफे गिरा था फिर इसी जमीन पे रहेंगे आप लोग। अगर वो लोग हटाए जबरदस्ती तब? जबरदस्ती काट जान भी चले जाएगा तब भी हम लोग यहाँ पे रहेंगे। राजीव गांधी आवास योजना जो अभी की शुरू भी नहीं हुई है, उसका डाटा लिया जा रहा है, उस पर हम लोग प्रेशर दे के DM से मिल के और कैंटोनमेंट के अधिकारी से मिल के और हाई कोर्ट में परसू करके वो योजना को थोड़ा पुश करवाएं। जब सेना का बुलडोजर चला तो 2-4 झोपड़ियां तोड़कर वे धमकी देकर चले गए कि 1 हफ्ते के अंदर वो जमीन खाली कर दे। इसके पहले दोबारा आते बस्ती वालों की याचिका पर हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे दिया। इनके आशियाने उजड़ने से बच गए और इनके चेहरों पर मुस्कान लौट आई। हम उम्मीद करते हैं इनके चेहरे पर ये मुस्कान बनी रहेगी। मैं अजीत बहादुर, इलाहाबाद से, इंडिया अनहर्ड के लिए।